कांग्रेस महासचिव और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 5 सालों में दिल्ली की GDP 50% बढ़ गई है, जो देश में आज तक किसी राज्य में नहीं बढ़ी है। माकन ने शनिवार को ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे झूठा करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए आगे लिखा कि सबसे कम GDP ग्रोथ आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुई है। आंकड़ा साझा करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि 2007-08 से 2013-14 7 सालों में GDP 147.60% से ऊपर बढ़ी थी और 2014-15 से लेकर 2021-22 तक घटकर 65% के आसपास रह गई है। उन्होंने आगे लिखा कि 2014 से पहले शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस के समय तो दिल्ली में सालों में ही 50% GDP बढ़ जाती थी, जिसकी रफ्तार अब घटकर 5 साल हो गई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।